दीपावली के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को बेहतर यात्रा सुविधा देने के मद्देनजर एचआरटीसी दिल्ली व चंडीगढ़ के लिए 83 स्पेशल बसों को रवाना करेगी। कांगड़ा के डीएम विजय सिंह ठाकुर व आरएम पंकज चड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली के अवसर पर लोग काफी संख्या में बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में आते हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा देने के लिए एचआरटीसी की 83 स्पेशल बसों को दिल्ली व चंडीगढ़ के लिए रवाना करेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली के रूट के लिए बैजनाथ दीपू से 17 तारीख को 2 बसें, 18 तारीख को 6 स्पेशल बसें रवाना होंगी। वहीं चंबा डीपू से 17 तारीख को 1 बस और 18 तारीख को 1 स्पेशल बस रवाना होगी। पालमपुर डीपू से 17 तारीख को 2 बसें और 18 तारीख को 6 बसें रवाना होंगी। इसी के साथ पठानकोट डीपू से 18 तारीख को 2 स्पेशल बसें रवाना की जाएंगी, जबकि नगरोटा बागवां से 17 तारीख को 1 बस और 18 तारीख को 6 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि धर्मशाला डीपू से 17 तारीख को 2 व 1 वोल्वो बस व 18 तारीख को 6 बसें और 1 वोल्वो बस रवाना की जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस तरह से चंडीगढ़ रूट के लिए भी बैजनाथ से 17 तारीख को 4 बसें और 18 को 5, जबकि चंबा डीपू से 17 तारीख को 2 बसें और 18 को 3 स्पेशल बसें रवाना की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पालमपुर डीपू से चंडीगढ़ के लिए 17 तारीख को 4 बसें और 18 तारीख को 5 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। इसी तरह चंडीगढ़ के लिए पठानकोट डीपू से 17 तारीख को 2 बसें और 18 तारीख को 3 बसें रवाना की जाएंगी और नगरोटा बागवां से 17 को 4 और 18 को 5 स्पेशल बसें रवाना की जाएंगी। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ के लिए ही धर्मशाला डिपू से 17 तारीख को 4 व 18 तारीख को 5 स्पेशल बसें सहित 1 वोल्वो बस भी रवाना की जाएगी। उन्होंने बताया कि बसों में बुकिंग के लिए ऑनलाइन सुविधा का भी प्रावधान किया गया है व लोग ऑनलाइन भी इन स्पेशल बसों में अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वोल्वो बस में 1 से 31 अक्टूबर तक स्मार्ट कार्ड की सुविधा लागू की जा रही है।